नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार दौरे पर आए शाह, लालू कांग्रेस पर साधा निशाना। शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी का तंज, बीजेपी डर गई है। सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर तंज, चुनाव के बाद महागठबंधन को बड़ा सरप्राइज, बोले चिराग। रोहिणी, लवली, वीणा सहित कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। पर्चा भरने के बाद बोली रोहिणी, सब छोड़ कर आई हूँ। बिहार में ओबीसी की पार्टी 9 और सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्र कैद की सजा। पूर्णिया में लगी भीषण आग, 100 दुकानें हुई खाक। बिहार में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अलर्ट जारी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए लालू समेत पूरे महागठबंधन को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि आप लोग बताइए, लालू, राहुल, ममता प्रधानमंत्री बनने के लायक है? अगर गलती से आप लोगों ने इनकी सरकार बना दी तो ये एक एक साल के पीएम होंगे। शाह ने कहा कि लालू का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को पीएम बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर थे। गृह मंत्री ने बेगूसराय और झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी एक महीने में 4 बार बिहार में चुनावी रैलियां कर चुके हैं। उनकी 5वीं रैली अगले 2 मई को संभावित है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2 चरणों में हुए मतदान के बाद चुनाव परिणाम से भाजपा डर गई है, इसलिए पार्टी के बड़े नेता बिहार में बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद आज छपरा से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नामांकन पर्चा भरा, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर तंज कसा है और कहा कि हम लोग बिहार के 40 में से 40 सीटों को जीतने का काम करेंगे। तो वहीं बिहार की जनता को अगर गलती से पता चल गया कि लालू प्रसाद यादव फिर से आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर जनता सीधे उनके पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों की जमानत जब्त कर देगी। जनता के मन में अभी भी वह बात है और जंगल राज की बात उन्हें पूरी तरह से याद है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तमाम सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। एक ओर तेजस्वी यादव जहां दावा कर रहे हैं कि देश में इस बार उनके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि वोटिंग के बाद सरप्राइज मिलेगा। ये लोग 2014 और 2019 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे, उतना 2024 में होंगे। इस बार एनडीए न केवल 40 में से 40 सीट पर जीत दर्ज करेगी, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। बिहार में आज कई बड़े चेहरों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें सारण लोकसभा सीट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नामांकन दाखिल किया। तो वहीं शिवहर से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह, वैशाली से वीणा देवी समेत कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य ने आज नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए रोहिणी ने कहा कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं आई हूं। यहां मैं सब सुख छोड़ कर आई हूं। मैं कोई राजनेता नहीं, बल्कि आप ही की बेटी और बहन हूं, जो सुख दुख में आपके साथ रहेगी। बता दें कि रोहिणी के इस सभा में पूरा लालू परिवार मौजूद था। बिहार में AIMIM ने बड़ा फैसला लिया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अब बिहार के 9 और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद के रवैये और पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करने से नाराज होकर AIMIM ने ये फैसला लिया है। सोमवार को AIMIM के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफताब आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि किशनगंज के अलावा पार्टी 9 उम्मीदवारों के साथ बिहार के शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या मोतिहारी में एक सीट से चुनाव लड़ेगी। सारण जिले के मशरक से 3 बार विधायक रहे तारकेश्वर प्रसाद सिंह को हत्या एवं अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा मिली है। कोर्ट ने पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता की 1996 में अपहरण के बाद हत्या के मामले में शामिल होने का दोषी पाया है। छपरा के MP MLA कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी कांड में 2 अभियुक्त संजीव सिंह और पूर्व मुखिया देवनाथ राय को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
पूर्णिया में फल मंडी में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 1 किलोमीटर से दूर की लपटें दिखाई दे रही थी। मंडी के बीच लगी आग ने कुछ ही देर में सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंडी के पास से ही बारात जा रही थी, उसमें हुई आतिशबाजी से निकली चिंगारी से ये हादसा हुआ। दमकल की 6 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में फल की 100 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। बिहार में गर्मी से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। गर्म हवा के झोंकों से पूरा प्रदेश झुलस रहा है। बता दें कि गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि जिसकी वजह से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं अब भीषण गर्मी का कहर अगले 5 दिनों तक रहने का आसार जताया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।